बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपने कंपनी को रिजाइन कर दिया, यानी कि अगर कंपनी में आपने रेजिग्नेशन डाल रखा है और उसके बाद अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो कंपनी में रुकना चाहिए, कंपनी को छोड़ देना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने आपका वहाँ पे 6 महीने या 1 साल कंप्लीट हो गया और वहाँ अगर वहाँ पे आप रिजाइन डालना चाहते हो और आपने जस्ट रिजाइन वहाँ पे डाल दिया वहाँ की जो HR टीम है और अपने मैनेजर को लूप करके, इसके बाद क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, कंपनी बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, तो क्या करते हैं वो आपको कैबिन में बुला के वहाँ पे बातचीत करते हैं कि आपकी 5,000 सैलरी बढ़ा देंगे, 4,000 बढ़ा देंगे, 3,000 बढ़ा देंगे। अलग हर कंपनी का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पर बात आ जाती है। फिर अब हम लोगों के मन में डाउट होता है कि नेक्स्ट कंपनी में मुझे 5,000 मिल रहा है और करंट कंपनी में मेरा 4,000 बढ़ाया जा रहा है, तो शायद हमें रुक जाना चाहिए, कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपने एक बार कंपनी को रिजाइन डाल दिया उसके बाद अगर आप कंपनी में रुक रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उस कंपनी की नज़र में आ जाते हो। अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती, कल को कोई बात होती कि एम्प्लॉय टर्मिनेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपका ही नंबर आना है, आपको ही सबसे पहले टर्मिनेशन मिलेगी। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका वहाँ पर टर्मिनेशन बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं और आप उस कंपनी की नज़र में आ जाते हो कि ये बंदा कभी भी कंपनी को रिजाइन कर सकता है, कभी भी कंपनी को छोड़ सकता है। एंड कई कंपनीज़ में ऐसा भी हो जाता है कि आपको कुछ महीने रोक के, 1-2 महीने, 2.5 महीने रोक के और उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है उतनी सैलरी में या उससे कम सैलरी में, तो हो सकता है कंपनीज आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आप रिजाइन डाल सकते हो या अब मैं आपको टर्मिनेट कर दे रहा हूँ, ये कंपनी भी वहाँ पे ये बोल सकती हैं। सो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपने एक बार कंपनी को रिजाइन कर दिया है तो वो कंपनी फिर आपको छोड़ देनी चाहिए, आप नेक्स्ट कंपनी में स्विच कर सकते हो। और डेफिनेटली इसी बात, जब उस कंपनी में जाओगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, एक अच्छी डेजिग्नेशन होगी, लेकिन अगर आप एक बार कंपनी की नज़र में आ जाते हो तो उस कंपनी में फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए, या आप अगर आपने रिजाइन डाल दिया है तो कंपनी को फिर छोड़ देनी चाहिए। अगर ज़्यादा वहाँ पे वो टाइम है, लाइक जो नोटिस पीरियड होता है 1 महीने 15 दिन या 2 महीने कहीं कहीं, तो वो अपना पूरा सर्व करके नोटिस पीरियड और वहाँ पर वो कंपनी में छोड़ देनी चाहिए। कंपनी में रिजाइन तभी डालना जब आपकी नेक्स्ट कंपनी का ऑफर लेटर आपको मेल पे आ जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसके बाद करंट कंपनी रिजाइन करना। ये नई कंपनी में जॉब मिली भी नहीं है और करंट कंपनी में रिजाइन कर भी दिया, क्योंकि अगर एक बार ऐसा कर दिया रिजाइन और विदाउट जॉब के, कोई नेक्स्ट जॉब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं नई जॉब सर्च करने में। होप दोस्त इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और वहां पे जाके मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट या क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।